मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हिंद माता वाले मेहमान का फोन। हेलो जी। अच्छा अच्छा, आपको आने में आधा घंटा देर लग जाएगी, कोई बात नहीं, आराम से आइए जी। नहीं सेठ जी अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे, आइए। सॉरी सॉरी नटू काका, रिक्शा ही नहीं मिल रही थी, उसमें लेट हो गया। अच्छा हुआ मतलब अच्छा हुआ रिक्शा मिल तो गई। हाँ अरे मुश्किल से मिली। वो हिंद माता वाले मेहमान आ गए? नहीं, उनका फोन आया था, वो भी लेट हुए हैं, रास्ते में हैं, बस अभी आ जाएंगे। बागा कहाँ है? वो बागा बैंक में गया। चलो अच्छा है। नटू काका एक काम कीजिए, आप गोडाउन में जाइए और मगन को बोल के उधर सब ठीक ठाक करवा लीजिए। क्या वो मेहमान के साथ मीटिंग में उधर ही कर लूंगा, इधर कस्टमर के सामने ठीक से बातचीत नहीं हो पाएगी ना। जी 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 सेठ जी, जाइए जाइए जल्दी। ये रिक्शा, अरे ये डिब्बा, इसका डिब्बा है क्या है ये? लड्डू यहाँ पे लगता है नटू काका ने पद्मावती भोजनालय से मंगाए होंगे। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या सुगंध है। ओहो हो, घी तो देखो, घी से लस बसते हैं ये तो। वो रही गौशाला, चलिए जल्दी डब्बा खोलिए, सेठ जी आए उससे पहले मुझे वापस दुकान पहुंचना है। अरे क्या हुआ बावरी जी, चलिए हमें गौ माता के पास जाना पड़ेगा, गौ माता चल के हमारे पास नहीं आएगी। वो बागेश्वर जी गलती से मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? वो गलती से मैं नाश्ते का डिब्बा अपने साथ ले आई और गाय को खिलाने का लड्डू का डिब्बा आपकी दुकान में ही भूल आई। अरे बापरे, तो कोई बात नहीं, आप गौ माता को बटाटा पोहा खिला दीजिए। नहीं नहीं बागेश्वर जी, दादाजी बटाटा पोहा नहीं खाते थे। मतलब हम ये पोहा गाय को नहीं खिला सकते, हमें वापस जाके डिब्बा लाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बावरी जी, अब तक तो शायद सेठ जी वापस आ गए होंगे, बहुत डांटेंगे। कोई बात नहीं बागेश्वर जी, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं आपको नहीं, मुझे डांटेंगे। हाँ कोई बात नहीं बागेश्वर जी, मैं आपकी तरफ से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन वो डिब्बा लाना बहुत जरूरी है, वरना दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो रोज रात को लड्डू मांगने आएंगे। अरे बापरे, ऐसा है तो कोई बात नहीं बावरी जी, गाय माता को लड्डू खिलाने के लिए मैं सेठ जी की डांट खा लूंगा, चलिए जल्दी चलिए। हाँ बागेश्वर जी, खाने के लिए ही मंगाए होंगे ना, तो खाऊं? हाँ हाँ खाओ ना तुम, तुम्हारे बेचार आप बोल रहे इसलिए खा रहा हूँ। हाँ खाओ, मैं हूं ना, खाओ बिंदास। थैंक यू। वाह पद्मा वाह, सेठ जी गोडाउन इज रेडी फॉर मीटिंग। अरे वाह, लड्डू का क्या है, लड्डू कहाँ से आए? लड्डू हाँ मस्त है, पद्मावती भोजनालय से मंगाए? नहीं, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है और जब वो जिंदा थे तो वो रोज गाय को लड्डू खिलाते थे, तो मैं चाहती हूँ कि आज बागेश्वर जी मेरे साथ आए और हम गाय को लड्डू खिलाएं। नहीं सेठ जी नहीं, नहीं ये लड्डू मत खाइए। क्यों? मत खाइए प्लीज। अरे क्या मत खाइए, मस्त लड्डू है, मैं तो 6-7 घपका गया।
लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, मस्त है। नहीं सेठ जी, ये लड्डू नहीं ले सकते हम, इस पर हमारा नाम नहीं लिखा है। मतलब? हम समझाते हैं सेठ जी। बागा, तू बावरी के साथ सुबह सुबह इसके साथ घूमने गया था? नटू काका, ये उम्र में झूठ बोलते हो, आपका शर्म नहीं आती? आपने मुझसे क्या कहा था? बागा बैंक में गया है, अभी ये देखिए। मैं तो कुछ बोला ही नहीं था सेठ जी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बागा, तो आपने कहा कि बागा बैंक में गया है। चलो अच्छा है, चलो ठीक है, मैं अपने आप से बोला बागा बैंक गया है, चलो अच्छा है। तो वो नहीं गया था तो आपको मुझे बोलना चाहिए ना कि नहीं सेठ जी, बागा बैंक नहीं गया है। आप बोला क्यों नहीं? मैं कैसे बोलता सेठ जी, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे है हूँ, छोड़िए सेठ जी, बागा इसमें से सेठ जी 6-7 लड्डू खा गए। ओह हाय हाय, ये क्या किया आपने? क्या लड्डू क्यों खा लिए? है क्या, मैं आया तो मेरे सामने ये डिब्बा पड़ा था, खोल के देखा तो उसमें लड्डू, खाया तो मस्त है तो खाए। अरे लेकिन सेठ जी, ये लड्डू बावरी जी ने अपने दादाजी के श्राद्ध में गाय माता को खिलाने के लिए बनाए थे। दरअसल सेठ जी, बावरी जी हमारे लिए बटाटा पौवा लाई थी। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई, लड्डू यहीं रह गए और पोहा मैं अपने साथ ले गई। यानी दादाजी के श्राद्ध के लड्डू गाय माता के बदले मैं खा गया? हाँ सेठ जी। ए भगवान, ये क्या हो गया, ये मैं क्या कर बैठा? अब दादाजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी बागेश्वर जी? इट्स ओके बावरी, सेठ जी भी गाय जैसे ही हैं। सेठ जी ने लड्डू खाए कि गाय ने खाए, बात तो एक ही है। नहीं नहीं नटू काका, सेठ जी जेंट्स है तो गाय नहीं बैल हुए ना। हाँ बागेश्वर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सही बात है वाड़ी, मैं क्या बैल हूँ? तू दुकान में आती क्यों है? तू जब भी आती है कोई ना कोई गलती से मिस्टेक करती है। आज तूने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुझे कुछ पता है? कुछ पता है तुझे? हाँ पता चला, इसलिए तू वापस आई। कोई बात नहीं बावरी बेटा, तू घर पे जा, नए लड्डू बना के गाय माता को खिला दे, वरना तुम्हारे दादाजी की आत्मा सेठ जी को परेशान करेगी। ठीक है, ये लीजिए बटाटा पोहा, ये आप खा सकते हैं। तू खा। नहीं खाएंगे बावरी जी, हमारे सेठ जी अभी कुछ नहीं खाएंगे। आप जाइए, आप जाइए गौ माता के पास, आइए आइए। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? श्राद्ध के लड्डू खा गया मैं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, अब क्या करूं? जेठालाल। हाँ भाई बोलो। जेठालाल जी, सुबह ही सुबह कैसे याद किया? अरे मेहता साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, गलती से मैं श्राद्ध के लड्डू खा गया। क्या मतलब श्राद्ध के लड्डू खा लिए? अरे भाई हुआ यूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरा मतलब इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अरे टेंशन ये है कि अभी वो बावरी का दादाजी मुझे परेशान करेंगे ना। अरे जेठालाल कैसे परेशान करेंगे, बावरी के दादाजी जब इस दुनिया में ही नहीं है तो तुम्हें परेशान कैसे करेंगे? वो बावरी के दादाजी है, वो परेशान करेंगे। तो अब तुम क्या चाहते हो जेठालाल, मैं क्या करूं? सलाह दो, इसमें से मैं कैसे बचूं? मैं कैसे सलाह दे सकता हूं जेठालाल, जब तुम्हारी समस्या ही मेरी समझ के बाहर है तो मैं सलाह कैसे दूं? अब तो पानी में बैठ गए, तो अभी मैं क्या करूं?
तुम्हारी समस्या इतने विचित्र है जेठालाल कि मैं क्या बताऊं। जेठालाल सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी समस्या का हल कर सकती है, उन्हें फोन करो तुम। ओके बाय। बैठे बैठे गले में मुसीबत आ पड़ी। गले में नहीं, पेट में आ पड़ी। ये पक्का टपो के पापा का ही फन होगा, उनको मेरे बगैर चैन ही नहीं पड़ता। हेलो। हाँ दया। मुझे पता था आपका ही फन होगा, आप मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते ना। अभी थोड़ी देर पहले दुकान गए थे और अब भी फन किया, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। अरे ओ गांधीधाम एक्सप्रेस, जरा धीरे पड़, शांति राघ भाई, मैंने कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ पता है, कौन सी जरूरी बात करनी है आपको? आई लव यू कहना है ना। अरे ओ प्रेम रोगिणी, जरा शांति रख और ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा सुन रही हूँ, बोलिए जी। दया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलिए वो कौन है? गाय है? गाय? हाँ, गाय माता को खिलाने के लड्डू गलती से मैं खा गया। टप्पू के पापा ये क्या किया आपने? गाय माता को खिलाने के लड्डू आप खा गए? आप घर से नाश्ता करके तो गए थे। अरे भाई ये सब वो बावरी की वजह से हुआ है, उसने गलती से मिस्टेक कर दी, अपने दादाजी के श्राद्ध का लड्डू यहाँ भूल गई, मुझे पता नहीं था, तो मैं वो खा गया अभी वो। पति जी, टप्पू के पापा, श्राद्ध के लड्डू आपने खा लिए? श्राद्ध के लड्डू? अरे भाई पता है मुझसे गलती हो गई, अभी तू मुझे रास्ता बता। एक काम कर, तू अपनी माँ को फोन कर, उनको पूछ, उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। हाँ, मैं माँ को फोन करती हूँ। लेकिन टप्पू के पापा ये आपने क्या किया? खाने में थोड़ा ट्रंक कॉल करने चाहिए था ना। अरे भाई ट्रंक कॉल नहीं कर पाया, अभी क्या करूँ? तू माँ को फोन करना जल्दी, और माँ क्या कहती है मुझे वापस फोन कर, ठीक है? मैं तेरा फोन की राह देख रहा हूँ। ठीक है, मैं माँ को फोन करती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ। टप्पू के पापा ने ये क्या गड़बड़ कर दी, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, माँ, दया, माँ, एक टेंशन हो गया है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। टप्पू के पापा ने गलती से गाय माता को खिलाने के लड्डू खुद खा लिए हैं। हाँ माँ, मुझे डर है कि कहीं कोई गाय माता उनको सींग ना मार दे। माँ भाई बोला नहीं हो गई गलती, अभी रास्ता क्या है वो बताओ ना। माना कोई रास्ता बताया कि नहीं? हाँ बताया। हाँ तो वो बता ना। बताती हूँ, मैंने कहा कि एक ही रास्ता है, कल आप गौशाला में जाके 1001 रुपए का दान लिखवा दीजिए। ओहो वाह वाह, अरे कल क्या दया, आज मैं गौशाला में जाके 1001 का दान लिखवा दूंगा भाई। थैंक यू, माँ को मेरी तरफ से खास थैंक यू बोलना। अरे माँ तो माँ है, माँ ऐसे थैंक यू की मोहताज नहीं है। पर मैं थैंक यू कहने के लिए मोहताज हूँ भाई, प्लीज तू माँ को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना ना। ठीक है बाबा, आपका थैंक यू माँ तक
सही सलामत पहुंचा दूंगी. ओके थैंक यू. लव यू. हाँ यू यू यू. बाय. आज चलो. थैंक यू माँ. थैंक यू. नटू काका जी मैं गोडाउन में जा रहा हूँ. वो हिंद माता वाले मेहमान है तो उनको वहीं भेज देना. जी सर. ठीक है. अरे कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो तुम सब लोग क्या करने वाले हो हैं? मुझे बताओगे कि सरप्राइज रखोगे? दादाजी सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं है लेकिन इतना बताए कि नवरात्रि में धमाल मचाने वाले हैं. सारी रात गरबा खेलेंगे और सुबह कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा. ये नवरात्रि का कमाल है कितना भी नाचो थकानी महसूस नहीं होती है और भूख भी बड़ी अच्छी लगती है. अरे इस बार तो मैं डोडिया खेलूंगा. गोगी डोडिया नहीं डांडिया होता है. अरे नहीं नहीं पिंकू मैं डोडिया की बात कर रहा हूँ. मैंने इंटरनेट पे देखा है और अहमदाबाद सूरत में तो डोडिया सिखाने के क्लासेस भी चलते हैं. हाँ पिंकू गोगी सही कह रहा है और उस क्लासेस में 10 स्टेप 12 स्टेप 28 स्टेप 32 स्टेप सिखाते हैं. और दादाजी मैंने एक नया स्टेप सिखा है आपको दिखाओ. हाँ दिखा दिखा. हाँ मम्मी और पापा का मिक्सर स्टेप मम्मी ने सिखाया. हाँ वो तो बेटा तूने जब किया तभी समझ में आ गया. नवरात्रि आते हम सबकी मम्मी में जोश आ जाता है. नवरात्रि सबका फेवरेट त्योहार है. हाँ हमसे ज्यादा हमारी मम्मी प्रैक्टिस करती है. अभी भी टप्पू के घर गरबे की प्रैक्टिस चल रही होगी. जेठा भाई मैं दिनेश त्रिवेदी. नमस्ते दिनेश भाई. मैं आशापुरा मित्र मंडल का प्रमुख हूँ. ये है हमारा सेक्रेटरी प्रफुल्ल भाई गोस्वामी. नमस्ते प्रफुल्ल भाई. ये हमारे कार्यकर्ता शिव कुमार जी. नमस्ते जेठा भाई. नमस्ते. नमस्ते शिव कुमार जी. नमस्ते जी. बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? तो फिर कल 9 बजे हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे. बस अब बापूजी को तैयार रखना. भले चौकस चौकस. अरे आपने कुछ नाश्ता लिया ही नहीं. लीजिए ना प्लीज प्लीज. हाँ, आपके लिए मंगा. लीजिए लीजिए लीजिए. वाह कल नवरात्रि का पहला दिन है. कल बापूजी को मैं सरप्राइज दूंगा. जब बापूजी को इस बात के बारे में पता चलेगा तो बापूजी तो खुश हो जाएंगे. बापूजी कल सरप्राइज के लिए तैयार रहना. गोकुलधाम सोसाइटी हर मुआवले में अनूठी है इसका एक और सबूत. भाई वैसे तो बाप बेटे के लिए सब कुछ करता है लेकिन यहाँ बेटा बाप को सरप्राइज देने के लिए निकला है. जी हाँ मेरे परम मित्र जेठालाल अपने पिताजी यानी कि श्री चंपकलाल जी को सरप्राइज देना चाहते हैं. आखिर क्या है सरप्राइज? मैं जानता हूँ कि आप जानने के लिए बड़े उत्सुक है. भाई पता चलेगा आपको कि आखिरी सरप्राइज क्या है. हम सारे ही लोग उत्सुक हैं लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में इस वक्त घूमड़ रही है कि जेठालाल जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होना तो अवश्यंभावी है. और सोचिए इस सरप्राइज देने में गड़बड़ हुई तो फिर ठाके आपके लिए सरप्राइज थोड़ी है. आप हंसेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.